नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंश क्लासेस के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जॉर्ज एलियट के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज एलियट की लाइफ स्टोरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जॉर्ज एलियट कौन थी। तो आपको बता दें कि जॉर्ज एलियट जो कि एक मेल नेम है, वो एक्चुअली एक फीमेल का नाम है, फीमेल राइटर का नाम है। दैट मींस जॉर्ज एलियट वाज द पेन नेम ऑफ अ मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस रियल नेम है राइटर का, और उनका पेन नेम जो है वो जॉर्ज एलियट है। नाउ व्हाट इज पेन नेम, पेन नेम क्या होता है? तो पेन नेम एक ऐसा नाम होता है जो कि कोई भी राइटर, कोई भी ऑथर अपनी किसी भी बुक को पब्लिश करवाता है, तो जनरली राइटर्स क्या करते हैं कि अपने नाम को बदल कर लोगों के सामने रखते हैं ताकि उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सके रीडर्स के ऊपर। सो मैरी एन इवांस ने देखा कि विक्टोरियन एज में मेल ऑथर्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, उनके वर्क्स को ज़्यादा लोग सीरियसली लेते थे। सो इन्होंने अपना नाम जॉर्ज एलियट रख लिया ताकि इनके वर्क्स का लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन, अच्छा इफेक्ट पड़े, लोग इनके वर्क्स को सीरियसली पढ़े। सी वॉज वन ऑफ द लीडिंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी 19th सेंचुरी की। सी वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 22nd 1819 इन वार्विकशायर इन इंग्लैंड। मैरी इवान का जन्म 22nd नवंबर 1819 को वार्विकशायर में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। सी वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ रॉबर्ट एंड क्रिश्चियना इवान। उनके फादर का नाम रॉबर्ट इवान और उनकी मदर का नाम क्रिश्चियना इवान था, और जॉर्ज एलियट यानी मैरी एन इवान उनकी सेकेंड चाइल्ड थी। Her father was farm manager at Arbury Hall Estate, and because of this, Mary was given permission to spend time in estate's library. Mary के जो father थे Robert Evans, वो Arbury Hall Estate नाम की company में एक office था किसी company का, वहाँ पर farm manager के post पर थे। And because of this, Mary को permission था, वो estate की library को access कर सकती थी, जब चाहे वहाँ पर जा सकती थी और किसी भी किताब को पढ़ सकती थी, और इसका लाभ भी उसने उठाया और अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया लाइब्रेरी के बुक्स को पढ़कर। सी वॉज डीपली रिलीजियस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। अपने बचपन के समय में वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। हर मदर डिड नॉट लाइक हर एज मैरी वॉज एन ऑकवर्ड लुकिंग चाइल्ड विद अ लार्ज हेड। मैरी जो थी वो बहुत ही ऑकवर्ड लुकिंग चाइल्ड थी, मतलब देखने में बहुत ही अच्छी नहीं थी बचपन में, और उनका जो सिर था बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जस्ट लाइक एन एडल्ट हेड, बिल्कुल एक एडल्ट की तरह लगती थी, बहुत ही 20-25 साल की लड़की हो, बिल्कुल बचपन में वो ऐसे दिखती थी। और मदर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होने के कारण उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। एलियट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस मारिया लुइस। जॉर्ज एलियट यानी जो मैरी एन इवांस थी, वो वहाँ पर अपने बोर्डिंग स्कूल में वहाँ की जो प्रिंसिपल गवर्नेस होती है मिस मारिया लुइस, उनके इन्फ्लुएंस में आती है, उनके प्रभाव में आती है। विच सी अटेंडेड फ्रॉम 1828 टू 1832, और उस स्कूल को, उस बोर्डिंग स्कूल को मैरी ने 1828 से लेकर 1832 तक अटेंड किया था। हु डेवलप्ड अ जेन्युइन लव फॉर पोइट्री एंड लिटरेचर इन हर। जो मिस मारिया लुइस थी, उन्होंने मैरी के अंदर एक जेन्युइन लव डेवलप किया फॉर पोइट्री एंड लिटरेचर। व्हेन हर मदर डाइड इन 1836, एलियट लेफ्ट स्कूल टू हेल्प रन फादर्स हाउस होल्ड। 1836 में एलियट की मदर का डेथ हो जाता है, उसके बाद एलियट को अपने स्कूल को छोड़कर अपने फादर के पास वापस घर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके घर पर कोई भी फीमेल मेंबर्स नहीं होती हैं जो कि घर का काम कर सके, या फिर घर के काम में अपने फादर का हाथ बटाने के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। इन 1841 सी मूव्ड विद हर फादर एंड लिव्ड विद हिम अंटिल हिज डेथ इन 1849। अब 1841 में उसके भाई यानी आइजैक इवांस की शादी हो जाती है, और उसके बाद जॉर्ज एलियट अपने फादर के साथ कन्वेंट्री की तरफ चली जाती हैं, और वहाँ पर उनके साथ वो 1849 तक रहती हैं और अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखती हैं। बट इन 1849 सी लॉस्ट हर फादर, उनके फादर की डेथ हो जाती है। फिर जॉर्ज एलियट यूरोप की यात्रा पर निकल जाती हैं, इवेंचुअली सेटलिंग इन लंदन। पूरा यूरोप घूमने के बाद आखिर में वो लंदन में आकर सेटल हो जाती हैं। इन लंदन सी वर्कड एज द एडिटर ऑफ द वेस्टमिंस्टर रिव्यू। लंदन में जॉर्ज एलियट द वेस्टमिंस्टर रिव्यू नाम के मैगजीन या फिर अखबार के एडिटर के तौर पर काम करती हैं। देयर सी मेट अ वर्साटाइल मैगजीन राइटर जॉर्ज हेनरी लुइस। वहाँ पर जॉर्ज एलियट की मुलाकात
एक वर्साटाइल, एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन राइटर जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ होती है, जो अक्सर जॉर्ज एलियट के वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया करते थे, उनकी तारीफ किया करते और जॉर्ज एलियट को इनकरेज किया करते थे नई नई पोएम्स, नई नई बुक्स लिखने के लिए। जॉर्ज एलियट उनकी बातों से प्रभावित होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, एंड देन सी फॉल इन टू लव विद हिम हु वॉज ऑलरेडी मैरिड। लुइस एक्चुअली में पहले से मैरिड थे, लेकिन वो अभी अपनी वाइफ के साथ सेपरेट हो चुके थे, मतलब वो उनसे अलग हो चुके थे। हेनरी लुइस और मैरी एन इवान यानी कि जॉर्ज एलियट एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं दोनों के बीच, विच वॉज अ मैरिज इन एवरी सेंस बट द लीगल वन, जो हर तरीके से एक मैरिज कहा जा सकता था बट द लीगल वन, लेकिन गैर कानूनी था, क्योंकि विक्टोरियन एज में जो कानून थे, जो रूल्स थे, वो जॉर्ज हेनरी लुइस को अलाउ नहीं करते थे दूसरे मैरिज के लिए। दे लिव्ड टुगेदर एज अ मैन एंड वाइफ टिल हिज डेथ इन 1878, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों साथ रहते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ टिल हिज डेथ इन 1878। और 1878 में जाकर जॉर्ज हेनरी लुइस की डेथ हो जाती है। जॉर्ज हेनरी लुइस की डेथ के 2 साल बाद सी अगेन मैरिड जॉन वॉल्टर क्रॉस, वो अपने एक दोस्त जॉन वॉल्टर क्रॉस से शादी कर लेती है, जो कि एक बैंकर होते हैं, अबाउट 20 ईयर्स हर जूनियर, लेकिन उम्र में उनसे काफ़ी छोटे यानी 20 साल छोटे होते हैं। शॉर्टली आफ्टर हर मैरिज इन 1880, उनकी शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि 1880 में, मतलब जिस साल उनकी शादी हुई थी उसी साल, सी डाइड सडनली आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ इलनेस। जॉर्ज एलियट की डेथ हो जाती है एक बीमारी के कारण। नाउ टेक अ ग्लांस एट द लिटरेरी वर्क्स ऑफ जॉर्ज एलियट। हर फर्स्ट नोवेल एडम बीट, उनका जो पहला नोवेल था एडम बीट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1859 एंड वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इस नोवेल को जब पब्लिश किया गया 1859 में, तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। एलियट रोट सेवरल वर्क्स ऑफ फिक्शन अंडर हर पेन नेम। एलियट ने अपने पेन नेम के अंडर बहुत ही ज़्यादा वर्क्स लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा नोवेल्स लिखे, उन्होंने लगभग 7 नोवेल्स लिखे थे। एलियट्स अदर बेस्ट नोन वर्क्स आर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं एलियट के, वो इस तरह हैं, द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 में पब्लिश किया गया था, 1861 में उनका सेकंड नोवेल जो था साइलस मार्नर पब्लिश किया गया था, 1863 में रोमोला पब्लिश किया गया, देन इन 1866 फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, 1871-72 मिडल मार्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है उनका, 1876 में डेनियल डेरोंडा। तो ये सारे जो वर्क्स हैं उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए लोगों के बीच में, रीडर्स ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप उसे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप एक्सप्लोरिंग इंग्लिश। थैंक यू।